हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश आपके अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर दादा पिता भाई आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दें तो आप क्या कर सकते हैं और कानूनी रूप से उस पर अपना अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जब भी आपके परिवार जैसे दादा पिता भाई चाचा आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दें तो आप ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं जिसे पार्टीशन सूट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि आप पुलिस थाने या किसी अन्य प्रकार से अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको रिलीफ ना मिले या आपको अपना अधिकार प्राप्त होने में प्रॉब्लम हो। ऐसी परिस्थिति में बेहतर होगा कि आप न्यायालय के द्वारा पार्टीशन सूट के जरिए अपना अधिकार प्राप्त करें। पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपके पास उस सभी जमीनों के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिस पर आप अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तभी आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए यदि 5 एकड़ की प्रॉपर्टी पे आप अपना अधिकार बनाते हैं तो उन 5 एकड़ जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी आपको न्यायालय में जमा करनी होगी। यदि आपके पास जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं है तो फ्रेंड्स घबराएं नहीं, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में आप इंटरनेट से या तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस से उस जमीन का दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जिस व्यक्ति पर आपने पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर किया है यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो आपको अपना अधिकार प्राप्त होने में समस्या आ सकती है या हो सकता है आपका केस लंबा चला जाए। उससे बचने के लिए आपको पार्टीशन सूट का मुकदमा न्यायालय में दर्ज करने के बाद उससे संबंधित एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना है और रजिस्ट्रार महोदय के नाम से एक एप्लीकेशन लिख के जिसका विषय होगा जमीन क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाने के संबंध में, और साथ ही पार्टीशन सूट की सर्टिफाइड कॉपी लगाकर रजिस्ट्रार महोदय के पास जमा कर दें और वहां से रिसीविंग प्राप्त कर लें। ऐसा करने से जिस दिन से आप रजिस्ट्रार ऑफिस में यह एप्लीकेशन और न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी जमा करेंगे उस दिन से न्यायालय का आदेश आने तक जमीन पर किसी प्रकार का क्रय और विक्रय नहीं हो सकेगा और जमीन की यथास्थिति बरकरार रहेगी जिससे आपको अपना अधिकार प्राप्त होने में आसानी होगी। और यदि आपको कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी पर अधिकार है तो कोर्ट से आपको 100% न्याय मिलना ही मिलना है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।